नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। चुनावी घंटा बज चुका है, हमारा खास कार्यक्रम टन टन और टन, यानी एक घंटे तक चुनावी अपडेट। और आज का सबसे बड़ा सियासी और चुनावी अपडेट है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सूची, और इस सूची पर सबकी निगाहें हैं। और बंसल न्यूज़ पहले भी खुलासे कर चुका है कि इस सूची का स्वरूप और इसका रूप और इसमें कौन कौन से नाम हो सकते हैं। तो अगले एक घंटे तक सिर्फ बंसल न्यूज़ पर रहिए, चुनाव से जुड़ी हर खबर यहाँ देखने को मिलेगी, और राजनीतिक मेहमान और बंसल न्यूज़ की डेडिकेटेड टीम बराबर मौजूद रहेगी। मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगी जया और संस्कृति। इन दोनों युवा साथियों के साथ मैं बुजुर्ग आपके साथ बराबर बना रहूँगा। तो सबसे पहले मेरी साथी, मेरी सहयोगी जया एक निगाह डालेंगी इलेक्शन एक्सप्रेस पर। बिल्कुल सर, युवाओं के साथ अनुभव की भी जरूरत होती है। आगे हम चर्चा करेंगे सबसे बड़ी सूची जो थोड़ी देर में बीजेपी की आएगी, और सबसे पहले सिर्फ बंसल न्यूज़ पर आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ। थोड़ी देर में आएगी एमपी बीजेपी की लिस्ट, एक दर्जन सिटिंग विधायकों के कटेंगे टिकट, तीन मंत्रियों के टिकट पर भी खतरा। भोपाल दक्षिण से होगा चौंकाने वाला नाम, तो उज्जैन उत्तर से मिलेगा नए चेहरे को मौका। प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश द्वारा ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज समेत राज्यपाल मंगूभाई पटेल रहेंगे मौजूद। आज एमपी में भरे जाएंगे नामांकन, उम्मीदवारों को नामांकन के लिए मिलेगा 6 दिन का वक्त, 17 नवम्बर को डाले जाएंगे वोट। तो छत्तीसगढ़ में आज से दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में बदल सकती है मतदान की तारीख, त्योहार के चलते डेट बदलने की मांग, तारीख बदलने पर जल्द फैसला ले सकता है चुनाव आयोग। और चुनावी समर में मोहला मानपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर गरमाई सियासत, बिरजू तारम की हत्या को बीजेपी ने बताया टारगेट किलिंग, बीजेपी ने कहा कांग्रेस करा रही टारगेट किलिंग। तो दिल्ली बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी ये जो खबर है, ये आज की सबसे बड़ी खबर होगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, कि मध्य प्रदेश की सूची, और माना जा रहा है कि करीब करीब 90 से अधिक नाम, 94 बचे हैं अब नाम, जिसमें से माना जा रहा है कि पांचवी सूची में एक दो नाम छोड़कर, यानी 90 से लेकर 92 तक नाम इस सूची में हो सकते हैं, 2 होल्ड किया जा सकता है, एक दर्जन सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, और करीब करीब 67 से ज़्यादा जो सिटिंग विधायक हैं, 60 प्लस आप कह लीजिए, 70 से कुछ कम और 60 से ज़्यादा सिटिंग एमएलए को मौका मिलेगा। तो बीजेपी की पांचवी सूची में 92 के आसपास नाम हो सकते हैं, एक दर्जन सिटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे, और 67 के आसपास ये फिगर है उन एमएलए का जो मौजूदा विधायक हैं, और उनके बारे में संभावना है कि वो रिटेन करेंगे टिकट, फिर से उन्हें टिकट मिल सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि करीब 3 जो मंत्री हैं, 3 या 4 संख्या ये हो सकती है जो टिकट से वंचित हो सकते हैं, और बाकी जो मंत्री हैं, कुल 9 के आसपास मंत्री थे, तो आप ये समझिए कि 5 के आसपास रिटेन करेंगे, और 3 या 4 का फिगर कुछ डाउटफुल बताया जा रहा है। मैं अपनी सहयोगी जया की तरफ चलूंगा, और हमारे साथ जुड़ गए हैं, जया बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं, साथ ही संवाददाता सूरज भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? 12 बजे का समय बताया जा रहा था, और अब तो हमारे साथ साथ शायद जो तमाम दावेदार हैं उनकी भी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही होंगी कि कब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंतजार, क्योंकि हम तो लगातार यही कह रहे हैं, जो मेरे पास खबरें थी 11 से 12 बजे के बीच में सूची आ जाना चाहिए था। तमाम सारे लीडर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, तो जाहिर है कि सूची आने वाली है। भूपेंद्र यादव भी मीडिया सेंटर पहुंचे हुए, वो भी उद्घाटन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मुझे लगता है इसी दौर में आपको सूची भी आपके सामने होगी। लेकिन जिस सूची का सबसे पहले बंसल न्यूज कह रहा है कि एक दर्जन विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, 3 मंत्री उसमें शामिल होंगे, इसके अलावा
पूर्व के जो सांसद है, जैसे आलोट से पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को टिकट दिया जा रहा है और एक दर्जन से ज्यादा नाम हमारी टीवी स्क्रीन पर होंगे जिन्हें आप दिखा रही होंगी, बल्कि 30-35-40 नाम लगभग जो बंसल न्यूज के पास है, ये वही नाम है जो आने वाली सूची में आपको दिखाई देने वाले। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं, एक दर्जन के लगभग इसमें विधायक शामिल है और कुछ नए चेहरे, कुछ विधायक हैं, हो सकता है कि उनकी श्रीमतियों को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि 33% आरक्षण की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी इस सूची में कुछ हद तक महिलाओं को ज्यादा टिकट दिखाई देगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बस थोड़ा सा इंतजार, लेकिन थोड़ी देर में सूची हमारे सामने होगी जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं। जैसे पिपरिया से पूर्व के जो विधायक है नागबंसी नजर आ सकते हैं, उज्जैन उत्तर से अनिल सिंह कालूखेड़ा जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको टिकट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ग्वालियर से माया सिंह है, ग्वालियर नारायण सिंह कुशवाहा इनका टिकट फाइनल है, नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड से दिखाई देंगे, बारासिमनी से प्रदीप जायसवाल जो हाल ही में ज्वाइन किए, देवसर से राजेंद्र मिश्रा में, बाराघंट से मौसम बिसेन को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, गौरीशंकर की जगह गौरीशंकर बिसेन या मौसम बिसेनी नजर आने वाले हैं। तो ये बहुत चाहते भी थे गौरीशंकर बिसेन की उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, तो संभावना बहुत ज्यादा है कि मौसम बिसेन का नाम इसमें होगा। हरिशंकर खटीक है, शिशुपाल यादव है, त्योथर से हाल ही में सिद्धार्थ तिवारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, सिद्धार्थ तिवारी दिखाई देने वाले। सिमरिया से केपी त्रिपाठी जो वर्तमान में विधायक है वो दिखाई देंगे, महगांव से मुकेश सिंह चतुर्वेदी चौधरी, यानी कि मनोज जी कहा जाए कि पोहरी से बात करें, सुरेश नाम सबसे पहले बंसल न्यूज पर बता रहे हैं, बहुत कम ऐसी संभावना है शरद जी के नाम चौंकाए, क्योंकि ये वही नाम है जिसे लेकर लगातार जो है सियासी जगत में गलियारों में चर्चाएं भी चल रही थी। गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी पुत्री को टिकट देने की मांग तो वो खुद भी कर रहे थे, और बहुत कम ऐसी संभावनाएं कि नाम चौंकाए। बने रहेगा मनोज जी, लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यालय में क्या कुछ माहौल है वो जरा देख लेते हैं। हमारे साथ सूरज इस वक्त लाइव जुड़ गए, सूरज जरा तस्वीरें भी दिखाइए, कौन कौन से नेता पहुंच गए, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था कि वीडी शर्मा वहां पर पहुंच चुके हैं, संभावनाएं थी कि अब से कुछ ही देर में सूची जारी हो जाएगी, जरा तस्वीरें हम तक जल्दी से पहुंचाइए। देखिए बिल्कुल, लगभग सूची को लेकर तो सभी की सहमति हो चुकी है और माना जा रहा है कि भोपाल में भी 1 घंटे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें खासतौर से तमाम दिग्गज नेता, चाहे केंद्रीय चुनाव समिति, मध्य प्रदेश की चुनाव समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नरसिंह तोमर हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, अश्विनी वैष्णव हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उसके बाद जिस तरीके से अभी जो चुनाव समिति अध्यक्ष का बयान आया कि सहमति बन चुकी है तमाम नामों पर और बहुत जल्द परिणाम सामने आएंगे। और यही कारण है कि लगातार हम भी बंसल न्यूज भी लगातार सुबह से खबर दिखा रहा है कितने लोगों पर, प्रत्याशियों पर मुहर लग सकती है, कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी चाहती है कि हर प्रकार से समीक्षा के बाद टिकट दिए जाए और वो उम्मीदवार हो जिनकी जीत की प्रबल संभावना हो, यही कारण है। और बीजेपी कारण जैसी खबर लगी है, मैं भी अपने सहयोगी से कहूं दिखाएं कि किस तरीके से लगातार नेताओं के आने का सिलसिला यहां पर जारी है, कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच रहे हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों से समर्थक हैं वो भी पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि अपने क्षेत्र का जो संभावित उम्मीदवार है उसे टिकट मिला है या नहीं मिला। तमाम जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और सभी को इंतजार है कि वो सूची जिसका प्रदेश के तमाम जो संभावित दावेदार हैं, आम जनता कहें या अपने अपने समर्थकों की बात हो, तो वो लगातार टकटकी लगाए इसी बात पर इंतजार कर रहे हैं कि कब बीजेपी की दूसरी सूची आएगी, उनके नेता का नाम आएगा। तो जय, इंतजार खत्म होने ही वाला है क्योंकि लगभग अब कुछ देर बाद ही सूची सामने होगी। जिस तरीके से हम नाम भी दिखा रहे हैं, चाहे होशंगाबाद की बात हो, पिपरिया की बात हो, माया सिंह का नाम दक्षिण पूर्व से चल रहा है, इसके अलावा चिंतामणि मालवीय जो पूर्व सांसद रहे उन्हें आलोट से टिकट मिल सकता है, अलग अलग स्थान सिद्धार्थ तिवारी त्योथर झाली में बीजेपी से, कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका नाम भी है। तो तमाम वो नेता कुछ नए भी हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ, कुछ ही देर बची है शेष जब हम सबसे पहले इस लिस्ट को हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। दर्शक भी तमाम हमारे इस वक्त बने हुए हैं, प्रत्याशी जो हैं, दावेदार जो हैं, वो भी इस वक्त बंसल न्यूज़ पर बने हुए हैं कि क्या हमारा इस लिस्ट में नाम होगा, भले समर्थक वहां पर कार्यालय में पहुंच गए। शरद जी क्या कहेंगे सर, मेहमान से मैं चाहूंगी कि आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, और क्योंकि जब हमने देखा था 39 नामों को जब सामने रखा था बीजेपी ने, 3 विधायकों के टिकट कटे थे और आज जब 5वीं सूची आएगी तो करीब ऐसा बताया जा रहा है वो इंतजार खत्म हो गया है। सूची हमारे पास बिल्कुल कुछ ही देर में सूची हमारे पास होगी। मैं व्यग्र निगाहें लगातार टटोल रही थी मोबाइल जहां पर ये सूची कुछ ही देर में पहुंचने वाली है, तो वो जो घंटी खनखनानी थी वो घंटी खनखना चुकी है और जल्दी ही सूची हमारे पास होगी। भोपाल से एक नाम जो संगठन के काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और एक उस समुदाय से भी आते हैं जिसको कांग्रेस ने माना जा रहा है कि अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है, वो नाम इस सूची में हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
हो सकता पर ही अभी टिके रहें, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, सीनियर लीडर बीजेपी के, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष और प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है उनका। बड़ी दार्शनिक मुस्कुराहट होती है इस समय राजनेताओं की, उनकी मुस्कुराहट भी वैदांतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। अवनीश बुंदेला भी उसी पाए के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में राजनीति के सफ़र को नज़दीक से देखा ही नहीं, सीखा भी है, और हमारे साथी बने हुए हैं। एक एक क्विक रिएक्शन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सूची में एक दर्जन के आसपास संभावना है कि नाम नहीं रिटेन नहीं कर पाएंगे जो एग्जिस्टिंग MLAs हैं, और करीब करीब 65 प्लस के करीब ऐसे हैं जो रिटेन कर रहे हैं। 3 मंत्रियों की जानकारी हमारे पास है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन महेंद्र सिंह सिसोदिया आगे बढ़ चुके हैं, उनका महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा एक नाम माया सिंह जी का, जो माना जा रहा था कि नैपथ्य में गया है, वो उभर कर सामने आया है। खटीक साहब हैं, हरिशंकर खटीक जी, उनका नाम है। तो कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपकी एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं चलूंगा और मेहमानों की तरफ। जी 24 दिन बचे हैं प्रचार के और 20 दिन में चुनाव हो जाएगा जी, तो स्वाभाविक है कि हम भी आपकी कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो प्रश्न पत्र में जो सवाल आने वाले हैं, आपके आने वाले, उनके खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और हमसे पहले वो सूची आपके पास और दर्शन सिंह के पास होगी जी, इसके वजह से मुझे पूरा विश्वास जी। जैसे कि कांग्रेस की सूचियां भी आपके पास इससे पहले आ जाती थी, तो हम भी बस इंतजार कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि शीघ्रता से आपको मिले और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को मिले जी। और मैंने आपसे बहुत पहले एक बात कही थी कि बहुत कम दिन बचे हैं, और जिस प्रकार से सांस्कृतिक उत्सवों का ये दौर है दीपावली के आसपास, इस प्रकार हम लोकतंत्र के भी उत्सव में भागीदारी ले रहे हैं जी। तो जिस साक्षरता के साथ और सामाजिक सद्भाव के साथ हम अपने सांस्कृतिक उत्सवों को मनाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोकतंत्र का यह उत्सव उससे और दो कदम आगे जाकर हम इसमें नए कीर्तिमान मध्य प्रदेश के लोग बनाएंगे, मतदाता और नेता सभी लोग मिलकर, और मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, वादों पर और दावों पर अपना अपना अभिमत बनाते हुए 17 तारीख को पोलिंग करेंगे। और मैं तो बिल्कुल अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें, और कांग्रेस के लोग अपनी बात रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और कई जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनके नामों को लेकर भी चर्चा है। पटवा साहब भोजपुर से, क्योंकि वहाँ से राजकुमार पटेल हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और उस इलाके में, तो पटवा जी का भी नाम इस सूची में बताया जा रहा है कि उनका नाम भी प्रोमिनेंटली इस सूची में है। तो बीजेपी ने इस सूची में बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करने से वो बची है। अवनीश जी, एक क्विक रिएक्शन आपका मैं ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जी, सुरेंद्र पटवा जी का भी नाम शामिल बताया जा रहा है सूची में जी। देखिए सर जी, देखा जाए चुनावी बेला है, सूची आना, प्रत्याशी घोषित करना, हर राजनीतिक दल का अपना अपना अधिकार है, अपना विवेक है, तो भाजपा भी कर रही, लेकिन हाँ इसमें सोचने वाली बात है शरद जी कि जहाँ पहले 39 लोगों की पहली सूची को आए हुए 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं, और उसके ऊपर भी कई सारी बयानबाजी राजनीतिक सरगर्मियाँ हो गई कि कांग्रेस की सूची कब आएगी। और शरद जी आप देखें, जैसी आचार संहिता लगी नवरात्रि के पहले दिन हमने एक सूची दी, और 4 दिन बाद हमने दूसरी सूची देखी, हमने लगभग पूरे टिकट, एक टिकट बचा है उसकी अपन सबको मालूम है कहाँ का बचा है, कुछ कानूनी पैंच है। तो आज भाजपा की मैं देख रहा हूँ शरद जी, कितने दिन बाद आप देखें एक प्रत्याशी की सूची भी हमने देखी है, अभी भी इनके 94 प्रत्याशी बाकी हैं, ठीक है इनकी सूची आज आ रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाजपा, जैसे कहा जाता है कि इवेंट वाली पार्टी, तो इसको भी इवेंट बना दिया कि 1 बजे मतलब सबको टाइम दे दिया। शरद जी देखिए, हम आप सब बैठे हैं, ठीक है मीडिया पर बैठे हैं, अच्छा है, मिलना हो जाता है, चर्चा हो जाती है, अच्छा विचारों का आदान प्रदान होता है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, लेकिन सर जी मुझे इस बीच में एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने जैसे ही कहा अपने आप को कि बुजुर्ग भी युवाओं के, सर जी ऐसा मत कहिए, आप तो हम सब लोगों के बड़े ही कहते ना एक इंस्पिरेशन है, आप बुजुर्ग बिल्कुल नहीं है, आप तो बिल्कुल जंपिंग जैक है, बिल्कुल आपसे तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं। शब्द का क्यों इस्तेमाल किया बुजुर्ग, मेरे मुझसे गलती हो गई, आप तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल उसे तो पहले ही करेक्ट कर दिया गया था जी, अनुभव का भी लाभ मिलना चाहिए। आज आप सबके आदेश पर मैं, डॉक्टर साहब हम बैठे हैं, और ये ठीक है सूची आए, लेकिन सर जी ये बात तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं राजनीतिक हलकों में
कि साहब इतनी विलंब क्यों, जब आपने पहली सूची इतनी फुर्ती में दी थी, हमसे भी कई बार हम पर सवाल खड़े किए, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, आज आपकी सूची आते आते वो भी इतना देर हो रही, इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि इवेंट बन गया, क्या 1 बजे देंगे शरद जी, 2 बजे देंगे, 12 बजे देंगे, तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि ठीक है आप 1 दर्जन टिकट काटें, 2 दर्जन काटेंगे, आपका अधिकार है, आपकी समस्या है, लेकिन ये तो है शरद जी कि सब कुछ अंदर खानों में ठीक नहीं है। अगर होता तो जैसे पहली सूची आई थी 1 हफ्ते में आप सब खत्म कर लेंगे, आप नहीं कर पाए, अब आचार संहिता लग चुकी है, अब तो कहते हैं चुनाव की तारीख। बिल्कुल अवनीत जी, इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आइए पहले सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ जी ने क्या बनाया, मैं नारियल लेके चलता हूँ तो वो ताला लेके चलते हैं ताला, और वो ताला सरकार आने पे जो मेरी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद करके ताला डाल देते हैं। ये कमलनाथ थे, 1.25 साल सरकार बनी तो बेगा भारिया सहरिया बहनों के आहार अनुदान पर ताला डाल दिया, 1,000 रुपया बंद। ये मुख्यमंत्री बने तो संबल योजना पे ताला डाल दिया, गरीबों के कल्याण की योजना संबल पे ताला डाल दिया, संबल बंद। इनकी सरकार आई, इन्होंने मेरे बच्चों की साइकिल की योजना बंद करके ताला डाल दिया, लैपटॉप की योजना बंद करके उस पर ताला डाल दिया। इन्होंने तो कन्या विवाह करके बेटियों को पैसा नहीं दिया और उनके भविष्य पर भी ताला डाल दिया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना बनाई, वो योजना भी बंद करके उस योजना पे भी ताला डाल दिया। मैं नारियल लेके चलता हूं क्योंकि मैं विकास और जनकल्याण करता हूं, ये ताला लेके योजनाओं पर ताला लगाने का काम करते हैं। तोमर कुछ बोल रहे हैं इस समय, धड़ाधड़ बाइट्स आ रही हैं, सुनिए। आराम से भैया, आराम से, आराम से, ए, एक मिनट सब शांत हो जाओ, शांत हो जाइए भैया जी, चलिए। भारतीय साओ नीचे करो यार, यार उनको करना पड़ रहा है क्या है। भारतीय जनता पार्टी की 136 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है, शेष बड़ी खबर इस समय की 136 प्रत्याशियों पर विचार विमर्श पूरा हो गया है और मुझे लगता है आज जल्दी ही सूची जारी हो जाएगी। 136 तो जल्दी के माने जब भी पूछोगे आप तो जल्दी तो मैं हमेशा कह ही सकता हूँ। समय समय पे 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे पूरे 94 के साथ सूची आ रही है। कुल मिला के दिल्ली में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, देर रात तक समाप्त हुई, इसलिए आज दिल्ली कार्यालय के लोग उसको जारी करेंगे। भाजपा के जो नामांकन होना है, बड़े बड़े दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, ऐसे नेताओं के आने का शेड्यूल है, तो क्या गाजे बाजे के साथ नामांकन होंगे? भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, नेतृत्व भी हमारा बहुत ही श्रेयस्कर है, इसलिए जहां जिस बड़े नेता का समय मिलेगा हमारे विधायक उनको आमंत्रित करेंगे और वो उनका नामांकन कराने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री जी 11 रैलियां, तो बिल्कुल लगातार यही बात की जा रही है कि देर रात कल दिल्ली में बैठक चली है, यही कारण है कि कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन लगभग नाम तय माने जा रहे हैं, यह कहना है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, और खासतौर से बैठक के बाद यहां से रवाना होते नजर आ रहे हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गहमा गहमी यही है कि कभी भी सूची जारी हो सकती है, बस इंतजार उसी बात का है, सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही पहली सूची जारी हो, और वरिष्ठ नेताओं के दौरे को लेकर भी कहना है कि जैसे ही सूची जारी होगी और धीरे धीरे नामांकन की प्रक्रिया भी होगी, और जो एक बड़ी खबर भी आ रही खासतौर से प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नामांकन की तैयारियां हैं, उसमें माना जा रहा है नितिन गडकरी 25 तारीख को पहुंचेंगे नरसिंहपुर, वहां पर कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही अलग अलग नेताओं के कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं। आप इस वक्त केंद्रीय मंत्री नरसिंह तोमर को सुन रहे थे,
बड़ी जानकारी। हालांकि अभी तक समय साफ नहीं हो सका है, लेकिन उन्होंने कहा कि 136 प्रत्याशियों की, क्योंकि सूची पहले ही बीजेपी जारी कर चुकी है, पहले 39 नाम, दूसरी बार में 39 नाम, उसके बाद 55 से 57 नामों को सामने रखा गया था और आज इंतजार 92 नामों का किया जा रहा है। 92 इसलिए क्योंकि 94 नामों पर मंथन जरूर हुआ, लेकिन दो सीटों को फिलहाल बीजेपी होल्ड करेगी। ये जो दो सीटें हैं वो कौन सी होंगी वो भी अब तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन एक से दो दिन में यहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, तो ये बड़ी खबर है। लगातार सभी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और संभावित सूची कौन सी है, संभावित उम्मीदवार बीजेपी के कौन से हो सकते हैं, जब से थोड़ी ही देर बाद पार्टी के प्रत्याशी होंगे वो जरा जान लेते हैं। सीधे रुक करते हैं मेरी सहयोगी संस्कृति का, इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। संस्कृति, जल्दी से बताइए संभावित उम्मीदवार कौन से होंगे बीजेपी के। चलिए देखिए, संभावित सूची बता देते हैं। जो बीजेपी की पांचवी सूची जारी होने वाली है और इंतजार खत्म होने वाला, आपसे कुछ ही देर बाद धड़कने भी दावेदारों की बड़ी हुई है। तो ये देखिए नाम संभावित में, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह का नाम सामने आ रहा है, देवसर से राजेंद्र मिश्राम, बालाघाट से मौसम बिसेन, जतारा से हरिशंकर खटीर, इनको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये संभावित नाम बता रहे हैं। पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव, त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी, मेगांव से चौधरी मुकेश चतुर्वेदी। तो ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको संभावित उम्मीदवारों के नाम सबसे पहले बंसल न्यूज बता रहा, और जब ये सूची जारी की जाएगी अब से कुछ देर बाद तो भी सबसे पहले बंसल न्यूज ही आपको इन नामों को पहुंचाएगा। तो भांडेर से घनश्याम पिरोनिया, पोहरी से सुरेश धाकर और बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये बेहद ही महत्वपूर्ण नाम जो सामने आ रहा है, संभावित उम्मीदवारों के नाम प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर सकते हैं। बंसल न्यूज पर सबसे पहले निवाड़ी से विधायक अनिल जैन, टीकमगढ़ से रागेश गिरी और बड़वाह से सचिन बिरला। तो आपको बता दें 94 सीटों पर मंथन हुआ है, जिस पर 92 सीटों पर नाम लगभग तय हैं। अगर बात की जाए उन दो सीटों की जिन पर नाम अभी होल्ड पर है, तो वो है गुना और विदिशा। ये देखिए सिमरिया से केपी त्रिपाठी, दोहनी से कुंवर से टेकाम, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव। ओवर टू जया। बिल्कुल, तो देखिए संभावित नाम कौन से होंगे वो आपको इस वक्त बता दिया है, लेकिन विदिशा जिले की अगर शरद जी बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया है। अब मेहमानों के पास जाएं, सब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इन सीटों को होल्ड करने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि गुना से पंकज कंडरेला पर पार्टी ने दांव खेला, विदिशा से नए चेहरे को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी क्यों होल्ड करेगी सर? देखिए निश्चित तौर पर वहाँ खींचतान की स्थिति होगी और सुयोग्य प्रत्याशी के चयन को लेकर बार बार डिस्कशन के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही होगी जया, यही एक कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए इस बार जीतना कितना महत्वपूर्ण है ये हमें बार बार समझ में इसलिए भी आ रहा है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कमतर आंकने की, बिल्कुल भी गलती करने की किसी भी गुंजाइश को किनारे लगा के मैदान में उतरी हैं। वो बिल्कुल ये नहीं मान रही हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और दो चार पांच सीटें अगर लूज भी कर जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत कहीं उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो बहुत भारी मन से उन्होंने वहाँ फैसला किया है, क्योंकि निर्णय तो लेना ही है, इसलिए एक एक सीट एक एक इंच की लड़ाई है और मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण है। भोजपुर से ये खबर आ रही है कि सुरेंद्र पटवा जी जो हैं उनका नाम फिर मैदान में वो उतरने वाले हैं। माया सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है कि वो वापस लौट रही हैं। बालाघाट से मौसम बिसेन है, लेकिन जो मेरे सोर्सेज से मुझे खबर मिली है कि कैलाश विजयवर्गीय जी की तरह गौरीशंकर बिसेन वहां से फिर उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी का उदाहरण सामने है और पार्टी ये मानती है कि वेटरन प्लेयर्स पर ही इस बार भरोसा करें। जय। और चलिए सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का। उमेश हमारे साथ संवाददाता उमेश पाराशर इस वक्त ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। माया सिंह जिन्हें पार्टी यहां से प्रत्याशी बना सकती है, जो कि संभावित उम्मीदवार है, उनके घर के बाहर किस तरह की हलचले जरा जानने के लिए सीधे उमेश का रुख करते हैं। उमेश जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरह की हलचले, माया सिंह जिन्हें ग्वालियर पूर्व से इस बार प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है घर के बाहर, किस तरह की तस्वीरें? देखिए जया, मैं आपको बता दूं, मैं खड़ा वहीं हूं, माया सिंह के घर के बाहर खड़ा हूं, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं है बाहर। अंदर घर के अंदर माया सिंह हैं, उनसे हमारी अभी फ़ोन से बात हुई, लेकिन अभी उन्होंने बात करने से
मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक सूची फाइनल नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई बयान नहीं दूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी ने 4 अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए थे, 2 सीटों पर पेच फंसा था। लंबे मंथन के बाद यहाँ पर माया सिंह को एक बार मौका मिल सकता है और उसी के साथ दक्षिण विधानसभा से नारायण सिंह कुशवाहा को मौका मिल सकता है। यानी दोनों ही जो सीटें हैं बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, तकरीबन जो 6 सीटें हैं उन पर 4 कांग्रेस के अभी विधायक हैं, लेकिन जो सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है वो दक्षिण विधानसभा है। दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस से प्रवीण पाठक विधायक हैं और वहां पर नारायण सिंह कुशवाहा के साथ ही कद्दावर नेता बीजेपी की अनूप मिश्रा भी वहां से टिकट की दावेदारी दिखा रहे हैं। उसके साथ ही तमाम जो और अन्य बात की जाए तो सांसद की बात की जाए मौजूदा या उनके बेटे की बात की जाए, तमाम जो टिकट की कतार में है। लेकिन अब जिस तरह से मुरैना में हमने देखा कि जो कुशवाहा समाज के कहीं ना कहीं जो टिकट कटा था अजब सिंह कुशवाहा का कांग्रेस से टिकट कटा था, यही वजह है कि आप कुशवाहा समाज के जो बिल्कुल मैं लौटता हूं आपकी तरफ। चुनाव की सूची का तो इंतजार है, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ हम चलेंगे। लेकिन एक खबर थोड़ी सी अलग से मैं वही देख रहा था, प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस लीडर, इधर बड़ी रहस्य भरी बातें भी कर रहे हैं। उनका एक ट्वीट देख रहा हूं मैं, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, और हैशटैग किया है उन्होंने इंडिया गठबंधन। चलिए एक छोटी सी रिएक्शन ले लेता हूं। बुंदेला साहब, तारुफ और ताल्लुक बोझ बन जाए तो उनसे पीछा छुटाना अच्छा, बड़ा रहस्य भरा ट्वीट है ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का, किसको सलाह दे रहे हैं ये तो वही जानेंगे। देखिए, जब आप खुद शरद जी कह रहे हैं कि बड़ा रहस्य भरा ट्वीट है, वो निश्चित तौर पर बड़े विद्वान हैं, सम्मानित नेता हैं, संत हैं, तो मैं समझता हूँ शरद जी, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब मुखर नहीं मानता कि मैं उनके इस ट्वीट को डिकोड कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मैं अभी अपन जिस चर्चा के लिए बैठे हैं शरद जी, वो जरूर आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि 1 बजे अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर जी स्क्रीन पर कह रहे थे कि आज सूची आ जाएगी, मतलब अभी सूची आने की संभावना नहीं है। और शरद जी, मैं दावे से कहता हूँ, जो दो नाम रुक रहे हैं उनमें एक नाम शिवपुरी विधानसभा का है, और मैं कहता हूँ शिवपुरी विधानसभा से देखिए, हो सकता है ज्योतिराय सिंधिया चुनाव में जाएं, वो चुनाव लड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी वर्तमान में हालात हैं, मतलब कहते ना वो पूरे जो अंतिम बिल्कुल जो उनके पास जो सब कुछ पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, जो कहती थी पार्टी के हमारे पास 3 पंक्ति के नेता तैयार हैं, वो 3 पंक्ति के नेता 6 विधानसभा सीटों पर बेचारे रखे रह गए, सब चल के आ गए, वो बेचारे इंतजार ही करते रहे। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं भाजपा में शरद जी सब कुछ ठीक नहीं है। और आप देखें, ये जो सूची में आनाकानी हो रही है, आज आ रही, कल आ रही, थोड़ी देर से आ रही है, ये बताता है कि अब भी इसमें चाहे एक महाराज फैक्टर मान लें, शिवराज फैक्टर मान लें, नाराज फैक्टर मान लें शरद जी, ये आसानी से हल होने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं क्या कारण है कि जिस दल ने बड़े ताकत से कहा था आज से 1.25 महीने पहले कि हमने 39 प्रत्याशी घोषित, फिर 39 एक तो हमने कर दी, और फिर उसके बाद एक करीब 65-66 की सूची, कुल ला के 136 घोषित कर चुके, लेकिन उसको घोषित हुए शरद जी 2 हफ्ते गुजर गए। क्या कारण है कि आप अब तक सूची घोषित नहीं कर पाए, आप अपने प्रत्याशी, ये इससे साफ होता है कि आपके यहाँ जो रोज कहीं ना कहीं एक बयानबाजी हो रही, नेताओं की गुटबाजी हो रही है, कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, सिंधिया जी कुछ कह रहे हैं, केपी यादव जी कुछ कह रहे हैं, ये बताता है कि ये सारी स्थितियाँ ऐसी हैं। और सबसे बड़ी बात, जनता आपको बार बार नकार रही है शरद जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहूँगा, हमने 47 ST सीटों पर, आदिवासी सीटों पर हमने 48 आदिवासियों को टिकट दिया, मतलब 47 उनका कोटा है, हमने एक बढ़ाकर टिकट दिया है। ये बताता है कि भाजपा सिर्फ एक कहते ना, एक आप बगला भक्ति करते हो, सिर्फ आप दिखावा करते हो, बड़े बड़े इवेंट करते हो उनके नाम पर, ठीक है, लेकिन अब बुंदेला जी, बीजेपी कितने वर्ग को किस राह से टिकट देती है ये तो उसकी अब सूची जब थोड़ी देर में आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जितना जिक्र कर रहे हैं कि 47 ST प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सर, कुछ ही 47 तो दे नहीं होंगे। बिल्कुल, डॉक्टर हितेश वाजपेयी से पूछ लीजिए जया, बिल्कुल काफी तंज कस रहे हैं अवनीश जी की, बड़ी बड़ी बातें थी, सूची थी, बता दीजिए डॉक्टर साहब क्या बीजेपी क्या सोच रही, क्या कुछ ज्यादा सोच विचार है जी? मुझे तो 2-3 डायलॉग याद आ रहे हैं जी। एक तो जैसे कमलनाथ जी के चलो चलो में सरकार चली गई, उतर जाओ, फिर अखिलेश में मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन टूटने वाला है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और प्रमोद कृष्णन जी ने कह दिया है कि उसका भार लेके चलने की जरूरत नहीं। तो तीसरी बात, मुझे वो प्रमोद जी का ठाकुर का कुआ याद आ गया,
तो बुनेला साहब ठाकुर साहब है जो कहे ठीक है, और वो कहते हैं कि साहब हमने एसपी को दे दिया जी, तो ये दे दिया में ठाकुर साहब आ जाते हैं साहब, ठाकुर साहब बड़े आदमी वो दे देते हैं उनको, तो वो ले लेते हैं बेचारे गरीब लोग। इनको कभी देने लायक मत बनाना, कभी आप ये नहीं सोचना है कि हमने ट्राइबल से ले लिया या उन्होंने हमें दे दिया। हमेशा ये जो कांग्रेस की वृत्ति रही है ना कि आपका हाथ ठाकुर साहब का बड़ा हाथ, पर हमने दे दिया साहब, अरे बेचारे ट्राइबल, अरे हमने तो एक ज्यादा दे दिया, अरे बेचारे, ये क्या मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा ट्राइबल सीट पर आप नॉन ट्राइबल कैसे बना दो, तो आपने ट्राइबल सीट पे किसी ट्राइबल प्रत्याशी को अवसर दिया है, इसमें कौन सा एहसान कर दिया, तो वो भी गिनवा दिए उन्होंने सारे 45 के 45 के हमने इनको दे दिया। तो मुझे लगता है इस भाव से जब राजनीति बाहर निकल कर आएगी करेगी, तब राजनीति सामाजिक समरसता और एक समान रूप से सबको लेकर चलने की बात आएगी। निकल के ट्राइबल सीट के ऊपर यदि आपने प्रत्याशी दिया है तो कोई प्रत्याशी या ट्राइबल समाज को कुछ नहीं दे दिया है, अनुसूचित जाति सीट यदि उसका व्यक्ति कर रहा है तो ये संविधान प्रदत्त अधिकार ही के जो आप आपकी हिम्मत है तो आप नहीं देखे देखिए संविधान रिजेक्ट कर देगा, फॉर्म भी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए कांग्रेस को कहीं भी ये नहीं जताना चाहिए कि कमजोर वर्ग को किसी को उन्होंने दे दिया। बिल्कुल बड़ी खबर जो मिल रही है हमको बीजेपी के सोर्सेस से, वो खबर ये कह रही है कि विदिशा जिले की 3 सीटों पर एग्जिस्टिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये एक बड़ी खबर है। इसमें कुरवाई है, शमशाबाद है और बासौदा है, 3 जगह से, इसमें 2 जगह महिलाएं हैं, तो ये तो तय मानिए कि दोनों महिलाएं वहां से रिपीट होंगी कोई और, अगर ये इनके टिकट नहीं कटे। हमारी तो शुभकामनाएं शुभेच्छा सभी के लिए है, लेकिन निश्चित तौर पर जो 1 दर्जन टिकट कटने की बात है तो 3 विदिशा जिले के बताए जा रहे हैं, शमशाबाद, बासौदा और कुरवाई, और हो सकता है कि तीनों जगह, जैसे हमने देखा है कि सागर जिले में 4 महिलाओं को टिकट देकर कांग्रेस ने एक अलग तरह का एक मंजर पैदा किया है, तो हो सकता है विदिशा की तीनों दिग्गजों के सामने, बिल्कुल हाँ, दिग्गजों के सामने महिलाओं को उतारा है हाँ। और 33% महिला आरक्षण का विषय है, तो क्या यहाँ 3 महिलाएं होंगी जो टिकट बदलने की संभावना दिखाई जा रही है। अवनीश बुंदेला जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी मैं इतना कह रहा था, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दे दिया, देखिए मुझे लगता है अगर कोई प्रधानमंत्री खड़े होके एक बड़ी रैली में बोले 50,000 करूँ कि 60,000 करूँ, 70 करूँ कि 80,000 करूँ, तो मतलब मुझे लगता है इससे बड़ा, वो कहते ना एक बहुत बड़ा अपना रहीसियत दिखाना या अपने आप को बड़ा दिखाना कुछ हो नहीं सकता है। शिवराज जी सिंह मध्य प्रदेश में बोलते हैं, इतनी तारीख आ रही है, मैं ये इतनी तारीख को इतना कर दूंगा। देखिए ये बोलने चालने की भाषा है, मुझे लगता है अगर हम हर शब्द पकड़ें शरद जी, फिर तो ना तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना डॉक्टर साहब, अब मैं उनके में तर्क निकालूं तो हम हैं उलझ के रह जाएंगे। बात होनी चाहिए कि सूची कहाँ है, वेयर इज द लिस्ट, जिसके लिए हम सब लोग बैठे हैं, 1 बजे सूची आने वाली थी। नरेंद्र जी ने कहा तो है, नरेंद्र जी ने कि आ रही है सूची। सर नरेंद्र जी की भाषा अगर देखा तो वो तो पत्रकारों पे भी, मैं डॉक्टर साहब का ध्यान इंगित करना चाहूंगा, 1-2 जगह तो पत्रकारों पर भी थोड़े नाराज होते दिखे, मतलब उनने सवाल पूछा उस पर अपने घूमे चढ़ा रहे थे। ये बताता है, ये बताता है साहब की भाजपा जो है ना अभिमान के शिखर पर, अभिमान के घोड़े पर सवार है। अगर हम हकीकत में आईना दिखाने का प्रयास करते हैं कि भैया सूची कहाँ है, तो आप उल्टे हम पर सवाल दागते हैं। खैर चलिए चलता है। सर आप भी कमाल कर रहे हैं, लेकिन बुंदेला साहब 229 आपने घोषित कर दिए, तो अब बिल्कुल आप जो है एकदम कॉलर ऊंची करके कहाँ है सूची, 4 दिन में की है, कहाँ है सूची, कहाँ है सूची। जी 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 ठीक है, आपने बढ़िया काम किया, अच्छी बात है, बीजेपी भी प्रयास कर ही रही है, 2 नाम होल्ड बताए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे। जी मेरे को आज आप बोलने ही दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आज आप ठाकुर साहब के दबाव में है। पहले भी बात अधूरी रह गई कि देखिए बीजेपी को पोसना ये आप करते रहिए साहब, आप बड़े आदमी है, आपने बताया ना ठाकुर को कुआं वाली बात है, तो साहब कांग्रेस अपना आधिपत्य महसूस करती है भारत की राजनीति के ऊपर, और यही जो मंत्री में है इसको तोड़ने का काम लोकतंत्र ने किया, और आज वो हाशिए पर गए कि साहब आपके अहंकार से बाहर निकलिए और सतर्क हो जाइए लोगों में। और इसीलिए मेरा फिर निवेदन है कि जो आपने कहा ना सर जी, हम नीचे से जो निकल रही है निकलकर कॉन्स्टिट्यूएंसी में,
बिल्कुल जीतने के लिए उसमें मंथन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पूरी 94 की 94 सीटें हम देने वाले हैं। भाई आज से नामांकन शुरू हो गया है, 30 तारीख तक नामांकन होगा। छुट्टी का दिन बहुत अच्छा दिन होता है, इस अच्छे दिन का अवसर सबको मिलेगा। और ये बात भी सच है कि हमको कोई बांटने ऐसा नहीं है, हमको चुनाव भी जीतना है, हमको सरकारें भी चलानी है, और हम जिस प्रकार के डेवलपमेंट के इशू को लेकर पिछले 20 साल से चल रहे हैं, हमको उसको आगे लेकर जाना है। आज हम बिजली, सड़क, पानी से ये राज्य की चिंताएं मुक्त हुई है चरण जी। हम लोग देखिए इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए भी बिजली गई हो तो आप बता दीजिए चरण जी, और किसी भी कार्यक्रम में हुआ हो तो आप बताइए। तो यदि इस स्थिति में सरप्लस की आज राज्य आया है तो ये हमारा जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं, चलिए उसके आधार पर हमें उसकी चिंता है। बिल्कुल, शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, बिल्कुल शुभकामनाएं बीजेपी को। चलिए मनोज जी, एक छोटी टिप्पणी, इंतजार अभी जारी है, आपकी भी व्यग्र निगाहें लगातार मोबाइल रूपी डाकिये पे निगाह जमाए हुए हैं कि कब वो नोटिफिकेशन की घंटी बजे और उस पर एक PDF फाइल आए जो बताए कि ये डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खबर हमें दी है कि 94 की 94 आ रही है, कुछ भी होल्ड नहीं किया जा रहा है, अच्छा समय चल रहा है, नवरात्रि में पूरी घोषित करेंगे सूची। बहरहाल आपके पास कोई अपडेट हो तो बताइए, फिर छत्तीसगढ़ हम चलते हैं। जया हमें मोहला मानपुर, जहां एक बीजेपी लीडर बिरछू तारम जी की हत्या की बड़ी बर्बर घटना सामने आई, हम उसकी तरफ रुख करेंगे। जी मनोज, बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, देखिए सूची आ रही, सूची जब भी आएगी मुझे लगता है और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, बड़ी खबर है और थोड़ा बहुत रुकना, मतलब एक आध घंटे रुकना पड़ सकता है, जो मेरे पास खबरें आ रही है तो सूची के लिए थोड़ा लंबा वक्त अब लगेगा। सूची तैयार है, सूची किसी भी पल जारी होगी लेकिन इसमें लंबा वक्त होगा। नए चेहरे जिनका हम जिक्र कर रहे थे, 2-5 चेहरे मैं जाते जाते बता देता हूँ दर्शकों को। जैसे दक्षिण से यदि भगवान दास सबनानी का नाम लगभग तय है, दिखाई देने वाले हैं, नर्मदापुर से तो सीतारण शर्मा रिपीट हो ही रहे हैं, उसके बाद जो सचिन बिरला ज्वाइन किए भारतीय जनता पार्टी को, प्रदीप जायसवाल है, ये सब नए चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई देने वाले हैं। दूसरा एक और नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुकेश चौधरी, मुकेश सिंह चौधरी चतुर्वेदी इस बार चुनाव मैदान में रहेंगे। सिद्धार्थ तिवारी जो हाल ही में त्योथर से ज्वाइन किए हैं, वो इस सूची में दिखाई देने वाले। ये वो सब है जो नए चेहरे मेरे सामने हैं, तो इन नए चेहरों का मैं जिक्र जरूर करना चाह रहा था। उज्जैन उत्तर से अनिल सिंह कालूखेड़ा जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, यानी पारस जैन का टिकट कटने जा रहा है। इंदर सिंह परमार लगभग टिकट पा रहे हैं, अपनी जगह से चुनाव लड़ेंगे। उषा ठाकुर अपनी जगह से चुनाव लड़ेंगी। महेंद्र सिंह सिसोदिया अपनी जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो ये वो कुछ नाम है, बाकी सूची बंसल न्यूज पर है और ये सूची पर मोहर लगेगी। वैसे तो रात को जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई है उसने सूची पर मोहर लगा दी, लेकिन बंसल न्यूज जो नाम दिखा रहा है, अगली सूची आएगी तो मिलान के बाद इस पर भी मोहर लगने वाली है। बिल्कुल, लेकिन मोहर बीजेपी की जो सूची होगी उसमें बंसल न्यूज जो नाम दिखा रहा है मनोज जी, उसी पर लगेगी, जैसा हम लगातार सुबह से ही इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और टकटकी लगाकर सभी लोग बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ पर डटे हुए हैं। बने रहेगा मनोज जी, मैं आपको बताना चाह रहा था, आलोट से चौंकाने वाला नाम है, आलोट से जो चिंतामण मालवीय है उज्जैन से सांसद रहे हैं, तो आलोट से उनको पहुंचाया जा रहा है, यानी पूर्व सांसद आलोट से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने मनोज जी कही है, बने रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की भी एक बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की भी मेहमानों का हम रुख करेंगे। दरअसल एक तरफ शरद जी, जहां नामांकन फॉर्म हो चुके हैं, दूसरे चरण का नामांकन भरा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद अब प्रदेश की सियासत गरमा गई है। बिरजू तारम की हत्या को बीजेपी टारगेट किलिंग बता रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस टारगेट किलिंग के रूप में हत्या करा रही है। हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई, चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है, और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से
अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस हत्या से दो संदेश देना चाहती है। एक तो जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, अतः कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहती है कि वो धर्मांतरण करने वालों के साथ खड़ी है, और जो धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करता है, सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उसकी हत्या तक सरेआम कर दी जाएगी। ये बिरजू तराम की हत्या से संदेश, ये कांग्रेस की संस्कृति में है, ये कांग्रेस के डीएनए में है कि कांग्रेस पार्टी इस छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में अशांति घोल रही है। तो ये बड़ी खबर है, बीजेपी नेता की हत्या के बाद सियासत, दोनों पार्टियों के बीच में बयान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है, उनका कहना है कि बीजेपी फिर से एक मृत्यु पर शव पर राजनीति कर रही है, ये घटना नक्सली आतंक का परिणाम है, लेकिन इसे कांग्रेस की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की इस तरह की बयानबाजी बेहद आपत्तिजनक है, और ये क्योंकि इस पूरी घटना में उनका कहना है, उनका दावा है कि नक्सली हिंसा का परिणाम है ये, लेकिन इसे कांग्रेस को टारगेट करके बयानबाजी करना बीजेपी नेताओं की हल्की मानसिकता को दिखाता है। क्या कुछ कहा है सुशील आनंद शुक्ला जी ने, सुनिए। देखिए, मोहला मानपुर में जो घटना हुई है बेहद दुखद निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी लाशों पे फिर से राजनीति चालू कर दी है। नक्सलवादी आतंक का परिणाम है यह घटना। पुलिस ने घटना के लिए विवेचना शुरू कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार से इसको टारगेट किलिंग दे रहे हैं, इस प्रदेश में टारगेट किलिंग तो 2013 में हुई थी, जब पूछ की हत्या की गई थी, कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है दिनेश पटेल, कौन है महेंद्र कर्मा, तब भारतीय जनता पार्टी का शासन था। तो देखिए, सियासत के इतर इस पूरे मामले में अब जांच भी की जा रही है, टीम का गठन कर दिया गया है। आईजी राहुल भगत ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ये थाना औंधी में कल एक घटना हुई है, जिसमें अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा श्री बिरजू तारम जी की हत्या कर दी गई है गोली मारकर, और घटना के तुरंत उपरांत वहाँ पे पुलिस की सारी टीम पहुँच गई, आईटीबीपी डीआरजी घटनास्थल को, और जो बॉडी था उसको घेर के, क्योंकि एक अत्यंत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है सरखेड़ा नौंधी का, तो सभी पहलुओं पे पुलिस इस पे जांच कर रही है। बिल्कुल, तो देखिए जांच की जा रही है, सियासत हो रही है, लेकिन शरद जी एक जानकारी मैं भी आपको दे दूं सर, कि अभी कल रात को ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके पहले भी बस्तर संभाग के अलग अलग स्थानों पर 2 से 3 बीजेपी नेताओं की पूर्व में हत्या फरवरी में हो चुकी है सर, और इसीलिए चुनाव से पहले ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा रहा है। बिल्कुल, और बहुत सेंसिटिव होता है चुनाव के पहले ऐसा कोई घटनाक्रम होना, छत्तीसगढ़ नक्सली प्रभावित हिस्से हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन ठीक चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या सियासत का कारण ज़रूर बनेगी, और यही वजह है कि और इसके परिणाम भी होते हैं आगे जाकर। इस पर हम एक क्विक रिएक्शन लेते हैं, पहले के एस चौहान प्रवक्ता बीजेपी, सर आपका वेलकम, और पहला रिएक्शन आपका ये जो मोहला मानपुर की घटना है जिस पर सियासत भी तेज़ हो गई है। जी शरद जी, चूंकि सियासत का ये कोई बात नहीं है, बहुत दुखद बात है, लेकिन ये दर्शाता है कि हमारा छत्तीसगढ़ किधर जा रहा है। ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं, जैसे कि हमारी सहयोगी ने बोला कि पहले भी ये घटनाएं हो चुकी बस्तर में, इससे पहले बुधराम करटाम, नीलकंठ सागर साहू और रामधर अलामी का भी हत्या हो चुकी, टारगेट किलिंग किया गया, और सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। ये दुखद नहीं है तो और क्या है, ये एक डराने की साजिश नहीं है तो और क्या है, और इसके पहले ये धमकियां दी गई थी उनको सिर्फ एक दिन में ले जाके, और ये कोई प्लान किया हुआ ये कृत्य था, ये सिर्फ एक दिन में हुआ कृत्य नहीं था, ये प्लान किया हुआ कृत्य था, और इसकी मतलब ये एक को मारेंगे और सबको डराएंगे, ये वाली स्थिति आज इतने निचले स्तर पे पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी कि इन्होंने जो काम नहीं किया है अब वो दूसरे हथकंडे अपनाने लग गई है।
चलिए मैं कांग्रेस का भी रिएक्शन लेता हूँ। चौहान साहब मैं लौटूंगा आपकी तरफ। शशि भगत जी, कुछ इस तरह की आवाजें भी हमने सुनी छत्तीसगढ़ से बीजेपी की तरफ से कि पश्चिम बंगाल जैसे हालात वहाँ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, राजनीति है, राजनीतिक दल हैं, बयानबाजी होगी। आपका एक क्विक रिएक्शन शशि भगत जी कांग्रेस की तरफ से। जी जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी तकनीकी चुनौती है। हाँ जी जी, शशि भगत जी बोलिए। जी जी, हाँ छत्तीसगढ़ जी, एक बार सवाल करें प्लीज। हाँ, बस वही जो घटनाक्रम हुआ है मोहल्ला मानपुर का, उस पर बीजेपी का ये भी आरोप है कि पश्चिम बंगाल जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव में हिंसा का एक इतिहास हम देखते हैं, इस तरह का आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है। शशि भगत जी, जी भारतीय जनता पार्टी की फितरत में शामिल है कि तोहमत लगा के बाजी मार देना चाहते हैं। इनको ये बात का पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिले के अध्यक्ष उन्हीं लोगों को इनने वाइस रेंडी की सुरक्षा दी है। कांग्रेस के लोगों की तरफ इनकी नज़र नहीं गई कि इनको भी सुरक्षा की जरूरत थी। और तो और बताऊं मैं आपको, ये कहते हैं कि टारगेट उनको फोन पर ले लें हम इस तो पे... फ्रंट लाइन के पूरे जी शहीद हो गए। उस टाइम ये लोग कहां पर थे? ये सारी जो चीजें हैं इनके साथ है, और मन में बसी हुई ये बात है कि किसी भी सूरत में तोहमत लगा के हम लोग बाजीगरी कर लें तो ये बात पे ये लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, ये बात तय है। इनका एक और कहना है, ईश्वर साहू जैसे लोगों को टिकट इनने दे दिया, केवल और केवल उसकी उपलब्धि एक ही है कि वो मृतक के पिता हैं और ये सांप्रदायिकता को रंग देना चाहते हैं। इनके सारे लीडरान ये चाहते हैं हमेशा से कि सांप्रदायिकता के दम पे आगे बढ़े, ये इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा भी शशि भगत जी, लेकिन ये भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना सर, कि अगर कांग्रेस खुद ये मान रही है कि नक्सली घटना हो सकती है तो फिर सुरक्षा देने का जिम्मा तो सरकार का ही है। आप अगर छत्तीसगढ़ में सरकार में बैठे हैं तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना सर। चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हैंग कर रहा है, हम उनको फोन पर जोड़ लें तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं फिर टीम से गुजारिश करूंगा कि उनको हम फोन पर ले लें और फिर हम उनकी रिएक्शन ले पाएं। अगली बड़ी खबर जो मिल रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई। चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। मोदी 5 राज्यों में करीब 35 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी की 11 रैलियां संभावित हैं। छत्तीसगढ़ में 6 चुनावी रैलियां होंगी। मोदी मध्य प्रदेश में 11 रैलियां कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। और इसी साथ अब जो दिग्गज नेता उतरे हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए भी नामांकन के लिए दिल्ली के बड़े नेता बीजेपी के आएंगे। 25 अक्टूबर को गडकरी और 26 अक्टूबर को राजनाथ सिंह जी का रोड शो होगा। दोनों नेता 25 अक्टूबर को आने की जो बात है, नितिन गडकरी जी प्रहलाद पटेल जी के नामांकन में शामिल होंगे, नरसिंहपुर की बात होगी और सुबह 11 बजे के करीब वो पहुंचेंगे। और 26 अक्टूबर को राजनाथ सिंह इंदौर आएंगे, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी के नामांकन और रोड शो में शामिल होंगे। तो ये बड़ी बातें, यानी दशहरे के बाद आप कह सकते हैं सूचियां सामने, बड़े दोनों पार्टियां आमने सामने, चुनाव प्रचार का एक जबरदस्त रैला जो थोड़ा बहुत दिवाली के पहले थमेगा जया जी, और धनाधन जारी रहेगा जी। और बिल्कुल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शरद जी, क्योंकि अभी तारीखें सामने आ चुकी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 11 रैलियों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, ये प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर पीएम मोदी के दौरों की बात करें तो पिछले 2 महीने में ही 7 से 8 बार एमपी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है। तो ये समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्य चुनावी राज्य जहां पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे, ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। वो आप नारा भी दोहरा दीजिए कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये नारा बीजेपी ने इसीलिए दिया है कि इस बार मोदी बारंबार। जी जी, चलिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मोदी जी शुभंकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, इससे तो बिल्कुल इनकार किया ही नहीं जा सकता। 2014 से
अच्छे दिन और अच्छी खबरें बीजेपी के लिए लाने वाले सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया में लोकप्रिय नेताओं की सूची में अव्वल हैं, और मध्य प्रदेश के दिल में हैं और मध्य प्रदेश मोदी जी के मन में है। जी आज भी आ रहे हैं ग्वालियर, ग्वालियर। देखिये बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, और इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा है मध्य प्रदेश के आवाम को, उन्होंने आम मतदाताओं को पत्र लिखा है कि हमारी सरकार क्यों चुनना। तो उन्होंने बकायदा जो बातें आप कह रहे हैं उसका जिक्र किया है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसमें 1,33,00,000 जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हमारे गवर्नमेंट के दौरान, उन्होंने जो आपने बात कही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतर इकोनॉमी में यदि भारत आएगा तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का मजबूत कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा, इस बात का भी उल्लेख किया है। तो उन्होंने सीधा कनेक्ट किया है कि मेरे इतने चुनाव अभी तक मैंने देखे हैं सर, और क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी हो है तो उन्होंने सीधी चिट्ठी मतदाताओं को ये लिखी है, और आपने भी उस चिट्ठी को देखा सुनाया है। उन्होंने इन सब बातों का उसमें उल्लेख किया कि किस प्रकार हमने 5,00,000 किलोमीटर सड़कें बनाकर सभी नगरों को आपस में जोड़ा है, बिजली सरप्लस स्टेट का भी उसमें उल्लेख है कि किस प्रकार हम 28,000 मेगावाट तक पहुंचे जो हमारी यात्रा रही है। तो बिजली सड़क पानी इकोनॉमी बेहतर होना, आज जब बात रेहड़ी और फ्रीबीज की आप लोग करते हैं और हम भी वेलफेयर सेक्टर को लेकर चलना चाहते थे रेहड़ी, तो हमारे बजट पर 6% GDP पर बाहर आ रहा है जबकि कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में 40% बाहर आ रहा है। तो हम बेटर इकोनॉमी है, हमारे यहाँ ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन नहीं है, ऐसी बातों को हमने लोगों के बीच का प्रयास किया है, और मोदी जी भी अपनी केवल फॉर्म के माध्यम से रखेंगे और इन्हीं पर ही हम चाहते सुनाओ। और एक और बड़ी दिलचस्प खबर है अवनीश बुंदेला जी की, कर्नाटक से भी मध्य प्रदेश को बराबर सपोर्ट मिल रहा है। कर्नाटक की राजनीति के एक दिग्गज नेता का उड़न खटोला भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश में आसमानी फिजाओं में तैर रहा है, और बड़ा उनका सपोर्ट भी है क्योंकि कर्नाटक में उन दिग्गज राजनेता की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका रही थी, और बताया ये भी जाता है कि वो एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर भी इस्टैब्लिश हैं, और मध्य प्रदेश में भी वो चुनाव के रणनीतिकारों से जुड़े हैं और हर तरह का सपोर्ट उनका मिल रहा है। मोदी जी काफ़ी जी शिव कुमार जी 1,600-1,700 करोड़ की सबसे अधिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने वाले नेता रहे कांग्रेस के पास। जी मैंने कोई नाम नहीं लिया मैं तो आपको नाम लेकर बता सकता। धन्यवाद धन्यवाद जी अवनीश बुंदेला जी, मोदी जी लगातार आ रहे हैं। अगर डीके शिव कुमार जी की 1,600-1,700 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने डिक्लेयर की है, सरकार मोदी सरकार ने उनको आपको याद होगा शरद जी लगभग 6 से 7 महीने डिटेन करके रखा, जेल में रखा, झूठे मामलों में फंसा कर रखा। वो वही कह रहा हूँ, देखिए अब चूंकि इनने कहा तो इनने कहा तो मैं बता रहा हूँ, बाकी सर मोदी जी का आना कोई नई बात नहीं है। मोदी जी दौरों के मामले में मैं कहूंगा बड़े सिलेक्टेड है। मोदी जी प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री देश के, मैं मानता हूँ एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री वो होता, सबसे पहले उसको वहां जाना चाहिए जहाँ आपके देश में आग लगी है। मणिपुर अभी तक नहीं गई है, 77 दिन बाद मणिपुर के ऊपर मुंह खोलने वाले नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरा पर आ रहे हैं, हम फिर से स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी 6 महीने में अपडेट कर दूं, 6 महीने मोदी जी ऑलरेडी 11 बार आ चुके हैं, 8 बार नहीं, 6 महीने में 11 बार आ चुके हैं। हबीबगंज स्टेशन जो अपना जो अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है बंसल ग्रुप, ठीक है, वहीं 3 बार आ चुके हैं, तो ये बताता है ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ठीक है, आए उनका स्वागत है, मध्य प्रदेश की धरा पर स्वागत है। लेकिन आज शरद जी ये बात स्पष्ट है कि अगर मोदी जी आ रहे हैं तो एक प्रधानमंत्री के नाते उनको मध्य प्रदेश के मुद्दों की सुध लेना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पटवारी भर्ती में घोटाले हो जाते हैं, केएस चौहान साहब मैं जल्दी एक क्विक रिएक्शन दूंगा। जी जी चौहान साहब, मोदी जी के दौरे 6 दौर रैलियां उनकी छत्तीसगढ़ में भी है। जी चौहान साहब जी शरद जी हैं, और दूसरी बात यह है कि मोदी जी और सिर्फ ये बताने आते हैं कि हमने क्या काम किया है, कैसे हम हमारी और आगे की योजनाएं हैं, और जो पिछले 5 सालों में जो कुशासन चला है उसमें क्या क्या खामियां थी और क्या क्या कर सकते थे, ये सभी चीजें भी मोदी जी बताते हैं। और जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो पिछली बार आए थे मोदी जी और उसको विफल करने का कुत्सित प्रयास किया था, तो
वहां बस्तर की जनता ने उनके मुंह में तमाचा मारा था और उनका मुंह बंद कर दिया था। जब उन्होंने बंद का ऐलान किया था तो बस्तर की जनता ने खुद उनका मुंह बंद कर दिया था। इस जन सैलाब को शशि भगत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शशि भगत जी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्विक रिएक्शन। मोदी जी से जनता ये सुनना चाहती छत्तीसगढ़ की कि 15 लाख रुपए कब देंगे, बेरोजगारी पे कब चर्चा करेंगे, महंगाई पे क्या बात करेंगे, झलियामारी में जो छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हुआ उन सब पे न्याय कब मिलेगा, और जैसा कि साहब बोलते हैं उल्टा लटका देंगे तो श्री रमन सिंह जी को कब उल्टा लटकाएंगे, श्री राजेश मूनत जी को कब उल्टा लटकाएंगे, 36,000 करोड़ के 30,000 करोड़ के घोटालेबाजों को, महादेव वेब के घोटालेबाजों को कब उल्टा लटकाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता श्री मोदी जी के श्री मुख से ये सुनना चाहती है, केवल झूठ परोस कर चले जाने के लिए नहीं। और इतने बार जब दौरे हुए तो सारे दौरे में एक बार भी उनने नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ की पुअर अगर हालात है तो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, क्या करके आए हैं। केवल चुनाव में 6 महीना पहले आके चले जाने से कोई उनकी अच्छाई चौहान साहब 15 सेकंड है आपके पास चौहान साहब, फिर हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। चौहान साहब से नीचे जी नहीं रहेगा, 2000 भारतीय जनता पार्टी यही कांग्रेस का संदेश है। मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक बार आते, एक बार, और वो भी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए 2014 में, उसके बाद अभी मनमोहन सिंह जी कभी नहीं आए। प्रधानमंत्री चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप अगली खबर हमें इंदौर से बता रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी से जुड़ी है। जी बिल्कुल, प्रचार प्रसार का सिलसिला उनका चल रहा है लेकिन मंच से कई बातें भी उनके ओर से कही जा रही है और निशाने पर हमेशा सर कांग्रेस रहती है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा और ये कहा कि जो व्यक्ति सेवा नहीं करता तंत्र मंत्र के जरिए राजनीति में सफल होने की कोशिश, जनता सेवा सबसे बड़ा मंत्र है, मंत्र को साथ में रखकर बीजेपी सेवा करती है। तो एक वीडियो कथित रूप से वायरल हुआ था और वो वीडियो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें कमलनाथ की फोटो रखकर कुछ तंत्र विद्या की जा रही थी। हालांकि बंसल न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है लेकिन दिग्विजय सिंह कैलाश विजयवर्गीय ने माफ करेगा और इसी वीडियो को लेकर निशाना साधा है। जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है, जिसका कर्म पर विश्वास नहीं रखता है, जो जिनका जनता के ऊपर विश्वास नहीं हो, जनता का भी जिनके ऊपर विश्वास नहीं, ऐसे लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से राजनीति में सफल होने के लिए प्रयास करते हैं। पर जनता सेवा सबसे बड़ा मंत्र है और उस मंत्र को साथ में रखकर भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का प्रेम है, आप देख रहे हैं अपार प्रेम हमारे साथ। चलिए तो एक जो बात डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कही थी उसमें दम दिखता है क्योंकि ये खबर अभी हमको पता चली है कि 94 की ही सूची आएगी लेकिन थोड़ा समय इसलिए लगेगा कि गुना को लेकर जो फैसला हुआ है वो सीएम की अभी वहाँ सभा चल रही है तो एक कारण ये भी माना जा रहा है कि उस सभा के बाद क्योंकि गुना को लेकर थोड़ी सी रसाकशी रही है लेकिन वहाँ कोई बड़ा फैसला भी संभावित है, पर्टिकुलरली गुना सीट के बाद। मुख्यमंत्री जी के चाचौड़ा में रैली है संभवतः और ये जैसे ही मुकम्मल होगी तो उसके बाद ये लिस्ट सामने आएगी क्योंकि नहीं तो वहाँ कई बार जो कार्यकर्ता हैं वो एक घेराबंदी की भी कोशिश करते हैं कि मिल लें नेताजी से, अपनी बात कह दें। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से सूची का एक कारण माना जा रहा है, ये भी है कितनी सच्चाई ये तो बीजेपी बेहतर समझती। जया बिल्कुल, यानी ये कहा जाए सर चौंका सकती है सूची हमें अंतिम पलों में, निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर तो चौंकाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी की सूची अब से थोड़ी देर बाद आएगी। जी हितेश जी जल्दी से सर, समय की बहुत कमी है। ये कह रहा था चूंकि जिला गुना है लेकिन शरद जी जो सभा है वो हमारी विधानसभा चाचौड़ा में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां से वो ग्वालियर निकल जाएंगे जी और इस दौरान हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए। शुभकामनाएं आपको भी, कांग्रेस को भी और आप दोनों को भी, छत्तीसगढ़ से हमारे मेहमान जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। शशि भगत जी, के एस चौहान साहब, बहुत शुक्रिया बुंदेला साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी और जया जी, अब आपसे भी प्रणाम करते हैं आपको भी और प्रणाम करते हैं संस्कृति को भी, लेकिन प्रणाम आपको नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो बने रहना है क्योंकि हम बार बार विनम्रता से कहते हैं कि बंसल न्यूज़ को मत छोड़िएगा सर, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं है सर, यकीनी तौर पर नहीं है सर, चुनाव का मतलब ही है सर चुनाव की खबरों का बंसल न्यूज़, तो बने रहिए विनम्रता से, देखते रहिए, नमस्कार।